नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर राजस्थान की आर्थिक समस्या को हम कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 3 है जो कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से संबंधित है। इससे पहले अपन 2 पार्ट कर चुके हैं। जो भी भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, जैसे आप दोस्तों इस चैनल पे आपको राजस्थान अन्य किसी एग्जाम जैसे आरएसएम द्वारा आयोजित अन्य एग्जामों द्वारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इस पार्ट के अंदर अपन देखेंगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में हाल की आर्थिक समीक्षा, जो कि 21-22 में क्या प्रावधान किए गए हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य में नियोजित विकास के लिए क्रियान्वित लगभग सभी विकास की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देकर ग्रामीण क्षेत्र एवं ग्रामीण आबादी को लाभित किया जाता है। दोस्तों, हर आर्थिक समीक्षा और बजट में ध्यान रखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के तब जो जीवन यापन करने वाले लोगों का पूरा ध्यान दिया जाए, उनका विकास किस प्रकार से किया जाए उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल और 1999 को ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। राज्य सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1999 को, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इस विभाग के द्वारा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। अब ये विभिन्न योजनाएं चला रहा है, उनका अपन विस्तृत विवरण देखेंगे। जो इस समीक्षा के अंदर दी गई है उसका डिटेल से अपन जानेंगे, और जो अनदर है वो आप अनदर वीडियो में देखेंगे कि ग्रामीण विकास में किस प्रकार से राज्य सरकार की भूमिका शाश्वत कर रही है। ओके दोस्तों, राज्यों की स्थापना अक्टूबर 2010 में एक शाश्वत परिषद के रूप में की गई। ये योजना जो है पहली है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। यह परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, इंपोर्टेंट है दोस्तों। और राजीविका द्वारा निम्नलिखित आजीविका परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। और राजीविका परिषद के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, इसके अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आजीविका मिशन जो कि संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित हो रहा है, जून 2011 से यह शुरू हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। 2024-25 तक 10 से 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह में लाभबंद करना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, नोडल एजेंसी कौन सी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है। शुरू कब हुई, 2011 को शुरू हुई थी और संपूर्ण राज्य में ये चल रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक और रूपांतरित परियोजना ये लगभग 9 जिलों में चल रही है, 36 ब्लॉकों के अंदर संचालित की जा रही है। कब शुरू हुई थी, 19 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है यह योजना, तो पूछा जा सकता है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आर्थिक रूपांतर परियोजना में वित्त पोषित कौन कर रहा है, विश्व बैंक कर रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वामित्व एवं नेतृत्व वाले कृषि एवं गैर कृषि उद्यमों में बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। अगला है राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना। विश्व बैंक व राज्य सरकार की संयुक्त योजना है यह, विश्व बैंक इसमें, और 18 जिलों में 7 खंडों में संचालित की जा रही है। 818 करोड़ रुपए इसमें आवंटित की गई है। 15 अक्टूबर 2018 को समाप्त हो चुकी है, यह योजना समाप्त हो चुकी है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन। दोस्तों अपन देखो, राष्ट्रीय जो आजीविका द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चला रही है, इन योजनाओं में कौन कौन से पड़ चुके हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आजीविका मिशन जो पूरे राज्य में क्रियान्वित है, और राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक विकास रूपांतर परियोजना, और राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना जो कि समाप्त हो चुकी है। अब अगला है राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में गरीबी शमन परियोजना, आई फेड यानी IFAD द्वारा वित्त पोषित 31 दिसंबर 2017 को समाप्त हो गई। राज्यों के 6 जिलों में सिरोही जैसे पाली, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर,
नौ खंडों में संचालित की गई थी। ओके, ये योजना भी समाप्त हो चुकी है 2017 को। 6 जिलों में चलाई थी, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर। तो इनके काम जो वर्तमान में क्रियान्वित है योजना है उनका ज्यादा आने का चांस है दोस्तों, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण विकास विकास इसकी नोडल एजेंसी है मंत्रालय। ओके, ये योजना अभी चल रही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को भारत सरकार द्वारा 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसका नाम 2010 में नरेगा बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा वृद्धि के लिए एक ऐसे प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना है प्रमुख उद्देश्य, और अकुशल श्रमिकों को श्रम प्रदान करना है। दोस्तों ये मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, इसको हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कब शुरू की गई और कब इसकी पूछा जाता है कि इसमें रेट किस प्रकार बढ़ती है और कितने दिन का कार्यकाल, मतलब कितने दिन का रोजगार दिया जाता है इसके अंदर। शुरू कब हुई थी, 2005 के अंदर, और 2011 10 के अंदर इसको नाम मनरेगा कर दिया गया। 100 दिन का रोजगार दिया जाता है अकुशल श्रमिकों को। अब इसमें मुख्य विशेषता है कि क्या क्या इसके अंदर प्रावधान है, तो ये पूछा जाता है अक्सर। ग्रामीण ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासियों इसी परियोजना के अंतर्गत पंजीकरण हो तो योग्य होते हैं, जो ग्राम में रहते हैं वो इस योजना के अंतर आते हैं। महिलाओं को लाभान्वित कम से कम एक तिहाई होगी। परिवार के सभी सदस्यों का पंजीकरण के लिए 15 दिवस में फोटो युक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किया जाता है। जो भी वयस्क सभी वयस्क सदस्यों का 15 दिन के लिए 15 दिवस के अंदर फोटो युक्त जॉब कार्ड जारी किया जाता है। उसके बाद रसीद दी जाती है दिनांक सहित। अगर 15 दिवस के अंदर उसको रोजगार देना होता है, अगर 15 दिवस की अवधि के दौरान उसमें उपलब्ध नहीं होता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर उसको देखो सरकार, अगर 15 दिवस के अंदर रोजगार इसको उपलब्ध नहीं करवाती है तो उसको रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। गांव में 5 किलोमीटर की परिधि में कार्य करना होता है। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी देगी। जैसे अतिरिक्त अगर 5 किलोमीटर से अलग जाता है तो उसको 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी। किए गए कार्य के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है, मतलब जो किया किया जाता है उसको कार्य के अनुसार। कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, शिशु पालना गृह की व्यवस्था की जाना आवश्यक है। तो जो भी ठेकेदार है, जो कार्य करवा रहा है, उसके द्वारा ये सब सुविधा प्रोवाइड करवानी जरूरी है उसके द्वारा। जैसे क्या क्या उसको 5 किमी की परिधि के अंदर उपलब्ध रोजगार उपलब्ध करवाना। अगर 5 किमी अलग जाता है तो उसे 10% मजदूरी अलग से देनी पड़ेगी, और पानी की व्यवस्था, छाया की और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। ग्राम सभा द्वारा कार्य के चयन एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जानी है तो मुख्य रूप से अधिकृत है किसी भी ठेकेदार व श्रम विस्थापित मशीनों से कार्य करना अनुमति नहीं। दोस्तों ओनली इसमें अंदर हाथ और से कार्य किया जाएगा, न कि मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। हाथ के द्वारा जैसे पावड़ा है, कुल्हाड़ी है, इनके द्वारा कार्य किया जाता है, मशीनों के द्वारा नहीं किया जाता है। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण, मतलब ग्राम सभा द्वारा इस योजना का जो आकलन किया जाता है कि कितना कार्य हो चुका है और कितना अभी बाकी है। इस योजना के माध्यम से अभी दोस्तों बैंक के द्वारा और डाकघरों के द्वारा पैसे दिए जाते हैं। ग्राम सभा के योजना की प्रगति, कार्य गुणवत्ता पर्यवेक्षण हेतु सशक्त किया गया है। प्रभावित जन अभाव को अभियोग निराकरण प्रणाली है। इसमें केंद्र और इसमें जो मजदूरी का जो भुगतान किया जाता है वो तो 60 और 40 मजदूरी और सामग्री अनुपात बनाए जाना है। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि इसका जो कार्यभार राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस प्रकार वहन करती है। केंद्र सरकार अकुशल श्रम शारीरिक श्रम को 100% मजदूरी लागत, और कुशल और अकुशल श्रमिकों को मजदूरी सहित सामग्री लागत 75% वहन करती है।
ये इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों श्रम की 100% मजदूरी लागत और कुशल और अकुशल को केंद्र सरकार क्या करेगी, 75% वहन करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास सॉरी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इंदिरा गांधी इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित किया गया है, मतलब कि जो इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में परिवर्तित किया गया है। इसका शुभारंभ कब किया गया, 2016 20 नवंबर यूपी के आगरा से किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। योजनाकृत लाभान्वित चयन आधार पर सामाजिक आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 में श्रमिकों के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 राशि देय है। ओके, इसके अतिरिक्त लाभार्थी को स्वस्थ भारत मिशन के अंदर शौचालय तो 12,000 रुपये, मनरेगा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 90 दिन की मजदूरी दे। वे इसका केंद्र और राज्य किस प्रकार कर रही है, 60 और 40 में वहन कर रही है। और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता अनुसार आधारभूत संरचना का विकास तथा जनउपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण तथा विकास के क्षेत्र में असंतुलन को दूर करना है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना, इसमें प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। ये दोस्तों राज्य की सरकार की है, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में की जाती है। प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, उसमें से 20% राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए आवंटित की गई है। और विधायक स्थानीय क्षेत्र में योजना 21-22 आवंटित राशि प्रत्येक विधानसभा में प्रतिवर्ष 1.75 करोड़ रुपए की राशि उपयोग स्वस्थ आधारभूत संरचना जैसे उपकरण भवनों इत्यादि से संबंधित कार्यों में किया जाएगा। ओके दोस्तों, अगला है दोस्तों सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जो कि देखो ये पहले विधायकों के लिए थी, इसके अंदर 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी। अब ये सांसद के लिए जो लोकसभा से चुनकर आते हैं उनको प्रत्येक को 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। 23 दिसंबर 1993 को शुरू हुई थी, इसके अंदर 1994 में सांख्यिकी कार्यक्रम विभाग को दे दिया गया, पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय करता था कार्य। इसमें 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, इसमें संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के निर्वाचित संसद सांसद व राज्य के किसी भी जिले के कार्य के अनुशंसा पर कर सकते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य देश के कहीं भी कार्य करने की सिफारिश कर सकते हैं, यानी जो भी लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं वो देश के कहीं किसी भी कोने में यह पैसा लगा सकते हैं। और अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्र में 15%, अनुसूचित जनजाति वाले में 15% अनुसूचित जनजाति वाले में 7.5% व्यय करना अनिवार्य है। गंभीर प्राकृतिक आपदा के स्थिति में सांसद को संसदीय राज्य में बाहर भी देश के पुनर्वास हेतु दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक आपदा के लिए 1 करोड़ रुपए तक की स्थायी संपत्ति का निर्माण करवा सकते हैं। अगर आपदा की स्थिति है तो ये देश के किसी भी अगर प्रत्येक किसी राज्य में भी करवा सकते हैं, जैसे यूपी में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो वह वहां भी लगा सकते हैं, अगर सांसद राजस्थान का है तो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के विकास के लिए सामाजिक आधारभूत सुविधा और जन उपयोग परिसंपत्तियों का सृजन करना है, जो कि क्षेत्रीय विकास हेतु महत्वपूर्ण है। वर्ष 2020-21 एवं 21-22 हेतु नॉन ऑपरेशन रखा गया है। ओके, इस योजना को 10 नवंबर 2021 से वित्तीय वर्ष 2021-22 से समय के प्रति सांसद 2 करोड़ रुपए के साथ पुनः शुरू किया गया है। जो दोस्तों 2021 सॉरी 2021 और 2021-22 में इसको मतलब इसका कार्य नहीं हो रहा था, मगर 10 नवंबर 2021 के वित्तीय वर्ष में 2021-22 से समय 2 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है सरकार द्वारा। अगला है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात मतलब अलवर भरतपुर क्षेत्र के 14 खंडों में बहुलता से निवास करते हैं मेवात समुदाय। मेव समुदाय के जो लोग हैं
उन क्षेत्रों के लिए चलाई गई विशेष योजना कब शुरू हुई थी? 86-87 के अंदर। मेह बाहुल्य वाले क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम जाना जाता है। 86-87 में शुरू हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मेवात क्षेत्र के लोगों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं और उनको रोजगार के अवसर सृजन, क्षेत्र में आर्थिक विकास प्रोत्साहन करना तथा मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को, मतलब ये दोस्तों अभी भी ये कार्य चल रहा है और 1986 और 87 तक, 7 से शुरू हुई थी। मेवा क्षेत्र में सुदृढ़ करना रोजगार का उद्देश्य और उनको व्यापक रूप से जीवन स्तर, रोजगार और सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं उनको प्रवर्ध करवाना। अगला है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये सीमा, जो भी सीमा के क्षेत्र पर लगे हुए हैं राजस्थान के, उनसे संबंधित योजना है। कौन कौन से जिले इसमें? बाड़मेर है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जो सीमा से लगे हुए हैं। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सातवीं पंच योजना कब शुरू हुए थे? सातवीं पंच योजना के तहत केंद्रीय परिवर्तित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आधारभूत ढांचे और विकास और सीमावर्ती आबादी के मध्य सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने हेतु माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास व सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया। दोस्तों जो सीमा सीमा से संलग्न क्षेत्र है उन क्षेत्रों को विकास हेतु मैं यही योजना चलाई गई थी। इसमें विकास के आधारभूत ढांचे को और आबादी के अंदर मध्य सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए। कौन कौन से जिले याद रखिएगा? बाड़मेर है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर, जो सीमा से लगे हुए हैं। गृह मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है, कार्य देखती है। अगली है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। फरवरी 2020 में गुरु गोलोक राव ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना का नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना विकास कर दिया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण और रख रखाव व जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। अगर पूछा जाए कि कौन इसको वित्त पोषित कर रहा है, तो राज्य सरकार कर रही है, जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू होगी। ये पूछ सकता है कि कौन से क्षेत्र में महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना चल रही है, शहर में या गाँव में? तो शहर शहर में नहीं चल रही है, ओनली ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है। क्या है इस योजना के अंतर्गत? शमशान, कब्रिस्तान की चार दीवारी के निर्माण, ये 90% राशि व अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण है तो 70%। टीएसपी क्षेत्र के लिए 80% राशि राज्य सरकार देगी। दोस्तों 90% राज्य सर 90% राशि जो कि, और अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण है तो 10% ये राज्य सरकार देगी। यानी कब्रिस्तान उनके लिए 90% और अन्य सामुदायिक विकास 70%। टीएसपी क्षेत्र में अगर कोई ऐसा है तो उसके अंदर 80% की शेष राशि संकलन जनता के से किया जाता है। यानी जो उस क्षेत्र में जो जनता रहती है उसके द्वारा, उनके द्वारा शेष राशि का आवंटन किया जाएगा। अगली योजना है डांग विकास क्षेत्र। उससे पहले अपन रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कि अपन ने देख चुके हैं अब तक ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंचायती विभाग में इसकी चार योजनाएं थी। प्रमुख ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा चलाई गई, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतर परियोजना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना और पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना। तो इनका आप ध्यान रखिएगा किन किन जिलों में चल रही है और क्या क्या हो रहा है। अगला फिर अपन ने देखा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा के बारे में देखा। 2005 में शुरू हुई, 2010 में इसे नाम बदलकर मनरेगा कर दिया, 100 दिन के लिए सुनिश्चित कर दिया। और अभी लेटेस्ट के जो बजट 2021-22 में जारी हो उसमें 125 दिन का रखा है इसका कार्य दिवस। ओके, ये अपन ने देखा कि इसके अंदर क्या क्या कार्य किए जाएंगे। 15 दिवस के अंदर फोटो की जॉब कार्ड दी जाएगी, अगर नहीं दिया जाता है तो 15 दिवस के बाद उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर दूर जाता है तो 10% अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। और क्या किया जाएगा? सुविधा उनके लिए छाया, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, शिशुपालन है तो उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है? 40 और 60 और 40 मजदूरी के अनुपात बनाया गया है। ओके दोस्तों, फिर अगला है ग्रामीण आवास योजना। ग्रामीण जो
कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना कब से शुरू हुई? आगरा से शुरू हुई 2020-2016 को। ये आप देख लीजिएगा कि सरकार द्वारा इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि 1,20,000 रुपये दे हैं, और शौचालय के लिए 12,000 रुपये, और इसका हमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है केंद्र और राज्य का 60 और 40। अगली देखिए अपने MPLED विधायक स्थानीय, इसमें 5 करोड़ रुपए की राशि 20% राज्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए आवंटित की जाएगी। अगली देखिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जो कि 23 दिसंबर 1993 को शुरू हुई, इसमें भी 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति में करना अनिवार्य है इसके अनुसार। और आपदा आ जाती है तो वहाँ 1 करोड़ रुपए अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं वहाँ पे खर्च। ये शुरू हो गई अभी, लोग COVID-19 कारण अभी ये काम नहीं कर रही थी, मगर अब इसको दोबारा से शुरू किया गया है। 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। अगला आपने देखा मेवा क्षेत्र, जो अलवर बरतूर में संचालित है, उसकी मेवा क्षेत्र के लोगों को आधारभूत सुविधा प्रदान करने के लिए कब शुरू हुई? ये इम्पोर्टेंट है, 1986 और 87। अगली है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसमें भी सीमा से जो सुरंग क्षेत्र है उनको विकास करना 16 खंडों में क्रियान्वित है। अगली अपन ने देखी महात्मा गांधी जनभागीदारी योजना। अब नेक्स्ट देखेंगे डांग क्षेत्र और विकास कार्यक्रम। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर जरूर करिए। जो जो भी राजस्थान से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, जैसे हाल ही में लगने वाली एग्जाम वीडियो और RS प्री मेंस, जो भी राजस्थान की LDC भर्ती जो भी आने वाली है, ये हालांकि जो भी जो टीचर्स वगैरह की भर्ती आ रही है अभी, उनके बारे में इस इकोनॉमी में दोस्तों हर बार क्वेश्चन बनता है और आप उसको आसानी से करके आ सकते हैं अगर ये वीडियो आप पूरे देख लेते हैं तो। इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो डांग क्षेत्र देखेंगे अगला, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। बीहड़ क्षेत्र में संकुचित घाटी युक्त दस्युतग्रस्त क्षेत्र में डांग क्षेत्र कहा जाता है, जो कि डांग क्षेत्र कहा जाता है, चंबल बहती है उस क्षेत्र में, जैसे कौन सा क्षेत्र आ गया इसमें? सवाई माधोपुर आ गया, करौली, धौलपुर, बारा, झालावाड़, भरतपुर, कोटा, बूंदी, इसमें 26 पंचायतों में लागू किया गया है, 8 जिलों में। ये ध्यान रखिएगा 8 जिलों में चल रहा है, और कब चल रही है? 2005 और 2006 में चल रही है। पिछड़े क्षेत्र को गति प्रदान करना और आधारभूत सुविधा बढ़ाने हेतु तो इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो शुरू कब की गई? 2005 और 2006 से शुरू की गई। करौली, सॉरी सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारा, झालावाड़, भरतपुर और कोटा बूंदी, 8 जिलों में चल रही है ये। अगला है मगरा विकास क्षेत्र विकास कार्यक्रम। राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो क्षेत्र पहाड़ी से घिरा हुआ है, उस जैसे अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़, राजसमंद को जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता, को मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो पूछ सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि मगरा क्षेत्र कौन सा भाग आता है। तो जो जनजाति क्षेत्र में नहीं आता है इनका क्षेत्र, तो अजमेर हो गया, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ और राजसमंद। और इस क्षेत्र के विकास हेतु तो स्रोत भूमि पानी पशुधन व कम होने के साथ साथ निवासियों को भारी मौसमी पलायन होता है। ओके दोस्तों, इसके बाद है यहाँ के निवासियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने तो मगरा कार्यक्रम 2005 और 2006 था। ये 2005 में कौन कौन चले? मगरा और डांग क्षेत्र 2005 में। और अगला है सविवेक जिला विकास, ये भी 2005 और 2006 को प्रारंभ की गई थी। स्थानीय समुदाय तो आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण करनी है, तो न्यूनतम आवश्यकताओं विद्यमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू किया गया 2005 और 2006 में। उनका प्रमुख कार्य क्या है? इस क्षेत्र के विकास में जल संग्रह विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने के पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण गतिविधियों को शामिल किया गया है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में कार्य सॉरी कराए जाने वाले कार्यों के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत है। सविवेक जिला विकास योजना, इसमें जिला कलेक्टर की भूमिका रहती है दोस्तों। पानी की सुविधा, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ये सब सुविधाएं प्रोवाइड करवाना। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिला कलेक्टर द्वारा अनुभव किए गए
जिलों को स्थानीय आवश्यकताओं व जन आकांक्षाओं के रूप में उनके नवाचारों व समावेशों करते हुए जन उपयोगी परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर को सृजित करना है दोस्तों। और इसमें राज्य के वित्त पोषित तो इस योजना को प्रत्येक जिले में 1-1 करोड़ रुपए की राशि प्रतिवर्ष आवंटित की जाएंगे। गौरतलब है कि बजट 2019-20 इस योजना की घोषणा की गई थी। ग्रामीण विकास विभाग राज्य स्तर पर इस योजना का नोडल विभाग है। जिला स्तर पर जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ कार्य की स्वीकृति क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जिला मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना की घोषणा कब की गई थी? 2019-20 के 22 बजट, सॉरी 19-20 के बजट में। इसका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास नोडल विभाग है। प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ रुपए की राशि, तो ये ऑप्शन में बना के देख सकते हैं दोस्तों। अपन इससे संबंधित क्वेश्चन भी आंसर लेके आएंगे, जो कि आप इससे एकदम कंटेक्स्ट, ये आप भूल आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे कि ऐसे हो जाएगी आपकी आर्थिक समस्या। इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इस योजना के अंदर क्या क्या सुविधा है, कब कब शुरू की गई और कितनी राशि दी जाती है। अगली है बायोफ्यूल प्राधिकरण। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 2005 को जैव ईंधन मिशन का गठन किया गया था। राजस्थान में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वन क्षेत्र, अनुपयोगी भूमि को रतन जोत व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती, जैविक ईंधन के उत्पादन की प्रबल संभावना को देखते हुए 2007 को राज्य सरकार में बायोफ्यूल नीति घोषित कर अलग से बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया। कब शुरू किया गया दोस्तों बायोफ्यूल प्राधिकरण का? कब की गई? 2007 को की गई थी। है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री का, देख सकता हूँ मैं, 4 सितंबर 2005 के जैव ईंधन मिशन गठन के तहत। कौन कौन से जिलों में चल रही है? 12 जिलों में। 12 जिलों में कौन कौन से में? बारा, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़ में रतन जोत व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों के उत्पादन हेतु उपयुक्त पाए गए हैं। इन क्षेत्रों के अंदर तेलीय उपयुक्त पौधे पाए गए हैं, इसलिए बायोफ्यूल का इन क्षेत्रों में ज्यादा वर्चस्व है, यानी इनका भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 8 अन्य जिले भी हैं जो पूर्व में है। अलवर, भरतपुर है, दौसा है, धौलपुर है, जयपुर है, करौली, सवाई माधोपुर एवं टोंक। इनमें करंज पौधा रोपण के हेतु तो उपयुक्त पाए गए हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर तो क्या पाया गया दोस्तों? रतन जोत के लिए और इनके लिए करंज, जो अलवर, दौसा और जयपुर, इनके अंदर। राजस्थान राज्य भूमि विकास बोर्ड को राज्य की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के उद्देश्य के साथ 22 दिसंबर 2016 को बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड की स्थापना की गई। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। यह योजना 2014 को शुरू हुई थी और इस योजना के तहत लोकसभा सांसद को 2016 तक अपने निर्वाचित क्षेत्र में एक आदर्श गांव को विकसित करना है। तत्पश्चात वर्ष 2019 तक 3 वर्ष और 2024 तक 5 आदर्श गांवों का निर्माण करना था। दोस्तों इस योजना के अंदर क्या था? देखो, पहले 2016 तक इसमें एक गांव को अपने क्षेत्र के अंदर उसको गोद लेना था, मतलब कि उसको आदर्श गांव बनाना था। और फिर 2019 के बाद इसे 3 गांवों को किया गया। फिर 2024 के बाद इसमें 5 गांवों को आदर्श गांव बनाने का लक्ष्य है। इस योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामीण ग्रामों को स्वास्थ्य एवं सफाई, आजीविका, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सशक्त बनाना। दोस्तों इन क्षेत्रों के अंदर प्रमुख रूप से ये जितने भी योजनाएं चल रही है इनके अंदर ये प्रमुख जो आ सकता है मनुष्य की कृषि से संबंधित सुविधाएं, स्वास्थ्य, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा, इनको सशक्त करना है। ग्रामीण विकास इसका नोडल विकास एजेंसी है। मैदानी क्षेत्रों में 1 वर्ष के पश्चात
से 5 हजार जनसंख्या व पहाड़ी क्षेत्रों में 1 से 3 हजार तक की जनसंख्या को, ये दोस्तों जनसंख्या के अंदर डिवाइडेड किया गया है कि अगर एक ग्राम पंचायत में 3 से 5 हजार जनसंख्या होगी मैदानी क्षेत्रों में, तो ये होना चाहिए इनका, और क्राइटेरिया पहाड़ी क्षेत्रों में 1 से 3 हजार तक होनी चाहिए। लोकसभा सांसद द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में 1 ग्राम पंचायत का चयन करना होता है। राज्यसभा सांसद को किसी राज्य से जो चुने गए हैं उस राज्य की किस जिले की ग्रामीण क्षेत्र में 1 ग्राम पंचायत को चुनना होता है। जैसा लोकसभा सांसद करता है वैसे राज्यसभा को भी चुनने चुने गए हैं, जिस सांसद राज्य से चुने गए हैं उस राज्य के जिले और या ग्रामीण क्षेत्र को 1 ग्राम पंचायत को उसको भी गोल लेना। मनोनीत सांसद द्वारा देश के किसी भी जिले में ग्रामीण क्षेत्र को, अगर जो लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं वो तो देश के किसी भी कोने के अंदर ग्राम पंचायत को लेकर और उसको क्या कर सकते हैं, डेवलप एक आदर्श ग्राम पंचायत बना सकते हैं। ये ध्यान रखिए कब शुरू की थी, 2014 में, 16 में इसको एक गांव था, 2016 तक, 2019 के बाद 3 गांव इसके अंदर किए गए, तो इसके बाद सिर्फ 5 गांव किए जाएंगे जो आदर्श गांव बनाने की लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगली है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, 2016 से शुरू की, जो केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी यह योजना लेके आई। इसके अंदर संसद के किसी इसी विधानसभा के संसद सदस्य के किसी योजना के आधार पर ग्राम पंचायत का विकास एवं बुनियादी बुनियाद की गई। यह योजना सामुदायिक सहभागिता पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को मजबूत एवं पारदर्शी बनाना, ग्राम सभा को सक्रिय करना तथा स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना का प्रथम चरण 196 आदर्श ग्राम पंचायतों द्वारा चयन माननीय विधायकों द्वारा किया जा चुका है। द्वितीय चरण में 97 आदर्श ग्राम पंचायत का चयन माननीय विधायकों द्वारा किया जा चुका है। जो भी जो राज्य में विधायक है दोस्तों उनके द्वारा अब तक प्रथम चरण में 196 और द्वितीय चरण में 97 गांवों को विधायकों ने क्या किया है, आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश की है। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये 2014 में चली थी और ये 2016 के अंदर। स्मार्ट विलेज ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2017-18 के जो बजट था उसके अंदर पेश की गई थी। 30 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को चयन कर शहर जैसी आधुनिक सुविधा ग्रामों को विकसित करने हैं तो प्रारंभ की गई है, इंपोर्टेंट योजना है। ये पूछा भी गया था हाल ही किसी एग्जाम के अंदर। इस योजना के लिए वित्त विभाग विभागीय योजनाओं के तहत प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में 3,275 गाँवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने का चयन कर चुका है दोस्तों। कितने, 3,275 गांवों को स्मार्ट विलेज के अंदर। अगर डेफिनेशन पूछ ले तो आप सीधे से लिख सकते हैं कि 2017-18 के जो बजट बने उसमें घोषणा की गई थी 3,000 से अधिक आबादी वाले गांवों को लिया जाता है, और अब तक कितने गांवों को, 3,275 को। स्मार्ट विलेज योजना के तहत मुख्य गतिविधियों में जल निकासी प्रबंधन एवं पक्की नालियां, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, खुले जिम सहित सार्वजनिक पार्क, खेल मैदान, स्वास्थ्य केंद्र को संचालित किया जाना है। अगला है दोस्तों राजस्थान बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड। राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड राज्य में बंजर भूमि व चारागाहों को विकसित करने के उद्देश्य के साथ 22 दिसंबर 2016 को बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। अगला है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। शुरुआत कब हुई थी दोस्तों इसकी, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना की 27 नवंबर 2019 के। अगला तो इसके तहत प्रत्येक जिले के एक गांव को चयन कर गांधीवादी मूल्यों के रूप में विकसित किया जाना है। योजना का मुख्य गतिविधियों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम व गर्भवती स्तनपान कराने हेतु महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग एवं बच्चों के स्वास्थ्य की जांच व टीकाकरण व नशा मुक्ति समाज की स्थापना के लिए कौशल ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना शामिल की गई इसके अंदर। प्रत्येक
प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को उक्त गांव मेरा गौरव दिवस की भी आयोजित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 22 जिलों में गांधी ज्ञान केंद्र पुस्तकालय की उद्घाटन भी किया गया है। तो याद ना आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि इसमें जो भी गांव है उनके अंदर गांधीवादी मूल्यों को आदर्श को बढ़ावा देना और प्रमुख कार्य क्या है, परिवार कल्याण कार्यक्रम और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं का पोषण, उनके बच्चों को स्वास्थ्य टीकाकरण, नशा मुक्त करवाना, ये प्रमुख कार्य इसके हैं। और प्रत्येक 14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव ये दिवस आयोजित किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन में देखकर पूछ सकता है कि कौन सी योजना महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना का पॉइंट है। तो 14 नवंबर को मेरा गांव मनाया जाता है और 22 जिलों में अभी क्रियान्वयन केंद्र पुस्तकालय उद्घाटन किया गया और शुरू कब की गई थी, 27 नवंबर 2019 को। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन, इसे 21 फरवरी 2016 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक भौतिक रूप से स्थायी रूप क्षेत्र बनाने का प्रयास किया। इस मिशन का उद्देश्य सामाजिक व बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराकर ग्रामीण में सुधार करते हुए देश की स्थायी संतुलित क्षेत्र में विकास करना है। राष्ट्रीय रूबन मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में देश भर में 300 गांवों को ग्रामीण क्लस्टर का निर्माण करना है। प्रथम चरण में भरतपुर, नागौर और बाड़मेर व जोधपुर, उदयपुर 5 क्लस्टरों को चयन किया गया। वहीं दूसरे चरण में 2016-17 में अलवर, बीकानेर, जालौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर जिलों में 6 क्लस्टरों का चयन किया गया। तीसरे चरण में राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ जिलों में 4 क्लस्टर की स्थापना। 2020-21 के अंदर जनजातीय क्षेत्र में एक अतिरिक्त क्लस्टर बोर्ड दिया जो कि बांसवाड़ा में चयन किया गया। नेक्स्ट है पंचायती राज, जो कि देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले से शुरू हुई थी। उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासन के तृतीय स्तर पर संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1993 के बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के पूर्ण करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु पर्याप्त शक्तियां अधिकार प्रदान की गई। दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 1993 को इसको क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण मुद्दे समाहित हैं। संविधान संशोधन के अनुक्रम में राजस्थान की पंचायती राज अधिनियम 1953 और 94 में संशोधित किया गया तथा पंचायती राज नियम 1996 में लागू किया गया। वर्तमान में 33 परिषदें हैं, 352 पंचायत समितियां हैं और 11,307 क्या है ग्राम पंचायत है टोटल। राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, इसमें निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर क्या है जिला परिषद। राज्य में जब अब तक 6 वित्तायोग गठित किए जा चुके हैं। तो दोस्तों राज्य के अंदर ओनली पंचायती राज में ही वित्त आयोग गठित किए जाते हैं। छठे राजस्थान वित्त आयोग का गठन अप्रैल 2021 को किया गया। इसके अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे सिंह है और दो अन्य लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लोहाटी है। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में जो छठा आयोग है वित्त आयोग, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और दो अन्य सदस्य कौन कौन से हैं, प्रद्युमन सिंह और दो अन्य लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लोहाटी। और इसमें पहला आप ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 1994 को स्थापना हुई थी, इसका पहला थे कृष्ण कुमार गोयल।
ऑप्शन में अधिकतर बार ये पूछा गया है तो के गोयल, ये ऑप्शन में अधिकतर बार पूछा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कृष्ण कुमार गोयल पहले अध्यक्ष थे वित्त आयोग के, 7 मई 1999 को हीरा लाल देवपुरा बने, 2004 को मनिक चंद सुराणा बने, और 13 अप्रैल 2011 को बी डी कल्ला, 31 मई 2015 को डॉक्टर ज्योति किरण, और अप्रैल 2021 से कौन बने, प्रद्युमन सिंह, जबकि वर्तमान न्यू निर्वाचित वित्त आयोग के अध्यक्ष है। छठे वित्त आयोग की सिफारिशें 65 अवधि 2020-21 से 2024-25 तक है, यानी ये इसकी अवधि कब तक है, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। राज्य में स्वयं शुद्ध राजस्व के 6.75% हिस्से का वितरण 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं का नगरीय स्थानीय संस्थाओं के मध्य 75.10 एवं 24.90 के अनुपात में किया जाता है। ये दोस्तों वित्त का वितरण है कि किस प्रकार से अब तक राजस्थान में वितरण किया जाता है। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को 75% और स्थानीय नगरीय निकाय को 24% वित्त पोषित किया जाता है। जिलेवार निर्धारित भारांकन के आधार पर कुल अनुदान राशि का जिला परिषदों को 5% और पंचायत समिति को 20% और ग्राम पंचायत को 75% की साथ जारी किया जाता है। तो स्तुति के अनुसार अनुदान की 55% राशि का उपभोग मूलभूत विकास कार्यों के लिए और 40% राशि उपभोग राष्ट्रीय और राज्य में प्राथमिक योजनाओं को लागू करने के लिए, 5% राशि विभिन्न कर कार्यों व कर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहन की जा रही है। तो दोस्तों इसमें देखिए निर्धारित नामांकित में 5% जो दी जाती है जिला परिषद को दी जाती है, सबसे कम दी जाती है जिला परिषद को, और 20% खंड समिति जो पंचायत समिति को दी जाती है, और 75% ग्राम पंचायत को राशि व्यय करने के लिए दी जाती है, क्योंकि इतने खर्च से उनकी बुनियादी ढांचा ठीक करने और ग्राम पंचायतों के विकास के हेतु तो इतनी दी राशि दी जाती है सरकार के द्वारा। अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसके तहत राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया, गांधी जयंती पर, और 31 मार्च 2018 तक खुले में शौच मुक्त ODF हो चुका है राज्य के। भारत सरकार द्वारा स्वस्थ भारत मिशन के द्वितीय चरण वर्ष 2020-21 से प्रारंभ किया गया, जो कि 5 वर्षों की क्रियान्वित किया जाएगा। पहला चरण 2014 से 2019 तक किया चला। भारत में स्वस्थ भारत मिशन के मुख्य उद्देश्य गाँव में ODF की स्थिति को बनाए रखना और ग्रामीण क्षेत्रों के ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन द्वारा स्वस्थ के स्तर को सुधार कर गाँव में ODF+ बनाना, यानी ODF+ यानी शौच मुक्त बनाना। दोस्तों जो गाँव के अंदर अब लगभग राज्य के अंदर हो चुका है, में से तो निम्न प्रावधान है, व्यक्तिगत शौचालय, गरीबी रेखा से जो BPL परिवार है, जीवन यापन करने वाले परिवारों को, उनको 12,000 रुपये की राशि का प्रोत्साहन दिया जाता है, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत द्वारा 3 लाख रुपए के लागत से विकलांग व्यक्ति के विशेष प्रावधान है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य परिसरों के निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 30% राशि 15 वित्त आयोग के व्यय करने का प्रावधान है। ठोस व तरल कचरा प्रबंधन, राज्य में 11,284 ठोस और तरल कचरा प्रबंधन कार्य गाँव में किया गया है अब तक। पंचायत पुरस्कार, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत सरकार द्वारा यह योजना 2011 और सॉरी 10 दो 2010 और 2011 से लागू की। इसके तहत 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस व पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा निम्न श्रेणियों में पंचायती राज पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों। जैसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, इस प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की एक जिला पंचायत परिषद को और दो पंचायत समितियों को
गांव पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार 2021 के अंदर किन किन को मिला है? 2021 में कोटा में और दो पंचायत समितियों को, कौन सी है? कोटड़ा और चिड़ावा, ये ध्यान रखिएगा। जिला परिषद कौन सी है? कोटा को, और पंचायत समिति दो कौन सी है? कोटड़ा और चिड़ावा। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, इसमें पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ग्राम सभा के उत्कृष्ट योगदान आयोजन के लिए पंचायत का चयन कर उसको पुरस्कार दिया जाता है। 2021 में झुंझुनू की भोजासर का चयन किया गया है और 10 लाख रुपए की राशि पुरस्कृत की गई है। अगला है बाल तिथि ग्राम पंचायत पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ बाल तिथि कार्य करने वाले ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार दिया जाता है। बच्चों के लिए मतलब जो भी जो ग्राम पंचायत जो अच्छा कार्य करती है उनको बाल तिथि ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। 2021 है तो इस पंचायत में मेड़ा गांव की नागौर जिले की दिया गया, नागौर जिले की मेड़ा पंचायत को दिया गया। वो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चयनित किया गया, 5 लाख रुपए की राशि दी गई। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि 2021 के अंदर जो पंचायत समिति दो कौन सी थी? कोटड़ा और चिड़ावा, और जिला जिला समिति कौन सी थी? जिला परिषद कौन सी? कोटा को, और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार ये दिया गया बोजासर झुंझुनू को, 10 लाख रुपए की राशि दी गई, और बाल तिथि कार्य करने वाली को मिड्डा पंचायत नागौर में ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। यह पुरस्कार 2019 से शुरू किया गया, 2021 में ग्राम पंचायत को अडवड़ नागौर को पुरस्कृत किया और 5 लाख रुपए की राशि दी गई। विलेज मास्टर प्लान अगली योजना है दोस्तों। विलेज मास्टर प्लान विकास गतिविधियों को आगामी 30 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से विलेज मास्टर प्लान तैयार किया। तो इसके बारे में डेफिनेशन पूछते हैं कि विलेज मास्टर प्लान क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, 30 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए, यानी ये विजन है 30 वर्षों के अंदर भारतीय इसको नोडल एजेंसी पार्ट राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। ग्राम पंचायत विकास योजना 2015 से शुरू की गई, इस योजना का निर्माण किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना की गुणवत्ता उसकी प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तो राज्य वरिष्ठ मार्गदर्शिका अपनी योजना अपनों विकास पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार व नई दिल्ली के केंद्रीय मॉडल दिशा निर्देश हेतु अनुरूप तैयार की जा चुकी है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-2022 के विकेंद्रीकृत व सहभागी व ग्राम पंचायत के विकास तैयार करने हेतु राज्यों को जन योजना अभियान 2 अक्टूबर 2021 और से 31 जनवरी 2022 सबकी योजना सबका विकास चलाया गया है। दोस्तों मॉडल के रूप में पंचायती राज मंत्रालय इसके रूप में कार्य कर रहा है और 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक सबके योजना और सबका विकास चलाया गया है ग्रामीण ग्राम पंचायत विकास योजना में। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पंचायती राज सशक्तिकरण हेतु अभियान के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2018-19 को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से क्रियान्वित की जा रही है। दोस्तों राष्ट्रीय ग्राम राजस्व अभियान के पंचायती राज सशक्तिकरण अभियान के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019 और 2018-2019 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया गया। इसके अंदर वित्तीय 60% केंद्र का और 40% राज्य का अंश है। इस योजना के तहत विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों कि कर्मिकों की क्षमता एवं संवर्धन पंचायती राज संस्थाओं का आधारभूत संरचना का निर्माण कर प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों पर कार्य करना है। और अगला है प्रशासन गांवों के संग ग्रामीण क्षेत्र में जनता की समस्या मौके पर समाधान हेतु गांधी जी जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई और इस अभियान के तहत प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग है मतलब जो कि जो प्रकाश में लाने का जो विभाग है वो कौन सा है? राजस्व विभाग। अभियान में मॉनिटरिंग एवं समीक्षा हेतु कलेक्टर स्तर पर की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। अभियान में कुल 10 लाख भट्टे भी जारी किए। तो ये लोगों का
मौके पर निपटारा करने के लिए कि जो भी उनकी समस्या है उनका जनता की समस्या को मौके पर समाधान करने के लिए 2 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई, और इस अभियान के तहत 10 लाख पट्टे भी जारी किए गए। ओके, और इनका मॉनिटरिंग कार्यक्रम कौन कर रहा है? राजस्व विभाग, और जिले जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है, और इसमें ग्राम पंचायत मुख्यालय 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया जाता है। राजीव गांधी खेल संचय योजना, जल संचय योजना, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जल संचय योजना, क्योंकि हाल ही में ये 2020 और 20 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी, का काम क्या है? वर्षा जल को संचयन कर जल संरक्षण, जैसे अटल भूजल योजना था उसी प्रकार की यही योजना है। इसमें उपलब्ध जल स्रोतों के विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कर सुनिश्चित करने के, पानी की कमी को मुद्दे को हल करना, प्रभावी अभिसरण के माध्यम से भू जल और खेती के योग्य क्षेत्र की स्थिति को सुधार करना है। इस योजना के प्रथम चरण का सूत्रपात राज्य 33 जिलों में सभी 995 ब्लॉकों में 4,000 गाँवों में किया गया। प्रथम फेज में यह है, निर्धारित कार्य 2 वर्ष का है। प्रथम चरण के अंतर्गत लगभग 1.88 लाख करोड़ कार्य चिन्हित किए गए हैं। तो राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019 को शुरू हुई, 33 जिलों में 2 वर्ष की कार्य अवधि, और ये 295 ब्लॉक और 4,000 गाँव। ये ऑप्शन में देख के पूछ सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटर शेड कंपोनेंट व इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट योजना प्रोग्राम, जल संग्रह विकास कार्य के माध्यम से भूमि के उपचार के लिए 2009 और 2010 में इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, और इसका इसके तहत स्वीकृत परियोजनाओं में 15-16 में से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड कंपोनेंट के तहत चल रही है। तो यह योजना कब चल रही है दोस्तों? 2009 और 2010 से चल रही थी, उसके बाद 2015 और 16 में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना वाटर शेड कंपोनेंट चल रही है। अगला है ग्रामीण आधारभूत संरचना। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कुल लंबाई कितनी हुई है? 1,83,086 किलोमीटर, और राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 43,264 आबद ग्राम है, और 87% गाँव में सड़कें जुड़ चुकी है। 87.86 गाँव में जो सड़कें हैं उनका अब तक जुड़ चुका है राजस्थान में, सड़कों का जो जाल है पूरे राजस्थान में अब तक लगभग 87.86 लग फैल चुका है। ग्रामीण में विद्युतीकरण, राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2021 को 43,201 गाँव तथा 1.14 लाख ढाणियों में विद्युतीकरण किया गया। इसमें 93.97 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक किसानों को 60,672 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए गए। तो इसमें 60,672 कृषि कनेक्शन दिए गए हैं, और 43,201 गाँव में विद्युतीकरण किया, जो कि 93 लाख परिवारों के विद्युत कनेक्शन का उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ग्रामीण कृषि गैर कृषि विभाग अभिकरण रूडा, इसे शॉर्ट फॉर्म में रूडा कहा जाता है, 1995 में एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में राज्य ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु तो चलाई गई योजना है 1995 में रूडा, गैर कृषि विकास कार्यक्रम। भौगोलिक संकेंद्र पंजीकरण, बौद्धिक संपदा के अधिकार पहल के हेतु तो पोखरण पोटरी, ब्लू पोटरी, कोटा डोरिया, सांगानेर की बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे स्लिप के लिए रूडा ने GI भौगोलिक पंजीकरण प्राप्त किया है। रूडा प्रमुख रूप से 3 उप क्षेत्रों में अंतर्गत गतिविधियां संचालित करता है, चमड़ा, ऊन, वस्त्र, लघु खनिज, वाट टू वाल विकास पत्र 2019-20 में बजट में घोषणा की गई थी, 5 वर्षों की प्रत्येक ग्राम पंचायत में वाल टू वाल विकास पथ के निर्माण किया जाएगा। दोस्तों ग्राम पंचायत वाल टू वाल यानी एक वीडियो कॉल के तहत ग्राम पंचायतों को जुड़कर उनकी जो वहां की समस्या है उनका निराकरण किया जाए, और भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां की स्थिति को परखा जाए। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अपन ने पढ़ा ग्रामीण राजस्थान ग्रामीण विकास अध्याय 3, जो कि अगला पार्ट अपन इसमें देखेंगे 4th अध्याय ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।